तो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। भाई विमेंस बिग बैश लीग में फ्राइडे को होंगे डबल हेडर मुकाबले। दोनों ही मैचेस एक ही ग्राउंड ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड में खेले जाएंगे। पहला मुकाबला है एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेन्स बनाम हॉबार्ट हरिकेन्स वुमेन्स, मैच नंबर 12, जो 11:10 पे शुरू होगा इंडियन टाइमिंग के अनुसार। और आज के इस वीडियो में हम इसी मुकाबले की A to Z डिटेल्ड अपडेट्स के साथ आपके समक्ष हाजिर हो चुके हैं। भाई वेन्यू की जहां तक बात है तो दोस्तों, वुमेन्स बिग बैश लीग 2022 में टोटल 4 मुकाबले इस ट्रैक पर खेले गए थे। 3 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए तो मात्र 1 मुकाबला सेकंड बैटिंग करते हुए जीता गया है। एवरेज स्कोर आप 132 का देख सकते हैं। हाईएस्ट स्कोर है पर्थ स्कॉचर्स का 140 रन 7 विकेट पर और लोएस्ट स्कोर है ब्रिस्बेन हीट का 109 रन 10 विकेट पर। बॉलर्स के प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो 4 मैचेस में 50 विकेट चटकाए गए हैं, 26 विकेट पेसर्स ने लिए हैं तो वहीं 24 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। ये तो होती है बात वेन्यू की। हेड टू हेड कंपैरिजन की ओर बढ़े तो एडिलेड और हॉबार्ट के बीच टोटल 16 मुकाबले खेले गए हैं। 2 मैचेस का कोई रिजल्ट नहीं निकला था। 11 मैचेस एडिलेड स्ट्राइकर्स ने जीते हैं तो वहीं 3 मुकाबले हॉबार्ट हरिकेन्स ने जीते हैं। ये बड़ा डोमिनेशन क्या इस साल भी बरकरार रहेगा? क्योंकि दोस्तों, अगर पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो मात्र 1 मैच हॉबार्ट जीती है, 3 मुकाबले एडिलेड ने जीते हैं, 1 मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला था। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि 2016 के बाद से हरिकेन्स मात्र 1 मुकाबला जीत पाई है अगेंस्ट एडिलेड स्ट्राइकर्स। और इस करंट सीजन की अगर हम बात करें तो भाई हॉबार्ट अपने दोनों ही मैचेस हारी है अगेंस्ट पर्थ स्कॉचर्स। पॉइंट्स टेबल पे नजर डालें तो दोस्तों, हरिकेन्स -2.863 के नेट रन रेट के साथ बिना किसी पॉइंट्स के सबसे नीचे बैठी हुई है। तो वहीं एडिलेड स्ट्राइकर्स तीसरे पायदान पे मौजूद हैं, 3 में से 2 मुकाबले जीते हैं, पॉइंट्स हैं इनके 4 और नेट रन रेट है +1.170 का। करंट कंडीशन पे अगर हम दोनों टीम्स को मापें तो एडिलेड स्ट्राइकर्स की ओर से केटी मैक, लॉरा वुलवर्ड, टालिया मैग्रा, ब्रिजिट पेटरसन, मेडेलिन पेना, डेनियल गिब्सन, जॉर्जिया एडम्स, अमेंडा वेलिंगटन, जेमा बार्सबई, मेगान शूट और एनिसू मुशांगवे खेलती नजर आ सकती हैं। अब की प्लेयर्स कौन सी हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स के? दोस्तों, टॉप ऑर्डर तो बेहद उम्दा दिखाई देता है। केटी मैक ने 3 मैचेस में 137 रन बनाए हैं और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ स्कोर कर रही हैं। लॉरा वुलवर्ड की बात करें तो मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ इन्होंने 47 रन की पारी खेली थी। टालिया मैग्रात ने 3 मैचेस में 75 रन बनाए हैं तो टॉप ऑर्डर तो डिसेंट दिखाई देता है। वहीं गेंदबाजी के लिहाज से देखा जाए तो वेलिंगटन ने 3 मैचेस में 4 विकेट निकाले हैं, मेगान शूट बैक टू बैक ऑपोजिशन पर प्रहार करती नजर आ रही हैं और 5 विकेट अपने खाते में जोड़ चुकी है। वहीं मुशांगवे ने 3 मैचेस में 4 विकेट अपने खाते में जोड़े हैं। तो टीम काफी डिसेंट दिखाई देती है। मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं थोड़ा सा चरमराता जरूर नजर आता है, लेकिन टॉप ऑर्डर में है दम, जिसके चलते एक बार फिर हॉबार्ट हरिकेन्स पर टीम भारी पड़ सकती है। क्योंकि दोस्तों, हरिकेन्स की ओर से लेस्ली ली, ब्रायोनी स्मिथ दोनों ही अभी तक रन स्कोर करती नजर नहीं आई हैं। हीदर ग्राहम ने भी 1 मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था, ओवरऑल गेंदबाजी के लिहाज से वो 2 विकेट चटका चुकी हैं। एलिसे विलेनी की अगर हम बात करें तो भाई पर्थ स्कॉचर्स के खिलाफ ये 39 रन बनाने में सक्सेसफुल हुई थी। वहीं नायोमी स्टेलनबर्ग ने 54 रन बनाए थे। लाइनअप पे थोड़ा सा और नीचे बढ़े तो दोस्तों, आपको रूथ जॉनस्टन, मॉली स्ट्रेनो, होम्स, एमी स्मिथ, शबनम इस्माइल और मेसी गिब्सन के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहां स्ट्रेनो ने 2 मैचेस में 2 विकेट निकाले हैं। शबनम इस्माइल के हाथ भी इस दौरान 1 विकेट लगा है। तो टीम को अभी काफी मेहनत मशक्कत करने की जरूरत है, खास तौर से एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ, जहां इनके स्टैट्स बेहद खराब दिखाई देते हैं। फिलहाल ऑन फील्ड और ऑन पेपर अगर हम दोनों टीम्स को कंपेयर करें तो डेफिनेटली एडिलेड स्ट्राइकर्स का अपर हैंड नजर आता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपके लिहाज से हॉबार्ट हरिकेन्स इस मुकाबले के बाद जीत के रास्ते पर बढ़ती दिखाई दे रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।